हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBM की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर की। 0 से लेकर 2 ईयर तक एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, 22 से 24 के बैच वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर बैकग्राउंड होना बहुत ही आवश्यक है, बाकी सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हम हर दिन 1 से 2 ऑफ कैंपस हायरिंग कवर करते ही रहते हैं। आप देख सकते हो बहुत सारी कंपनियां होगी जिसका कितनों का तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा, इसीलिए हम कवर करते हैं ताकि कुछ चीज़ें लोगों से मिस हो जाती हैं तो एक बार आप गो थ्रू हो सकते हैं। बहुत सारी है, हर दिन कम से कम 1 या 2 हम अपलोड करते ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए हम वीडियो को आरंभ की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर की। अभी रिसेंटली अपडेट की गई है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 वीक पहले, तो जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी अप्लाई करने के लिए स्किल वगैरह में, तो यहाँ पे देखो वी आर लुकिंग फॉर द फॉलोइंग स्किल फ्रॉम यू। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेफर्ड इन जावा, पाइथन, नोड जेएस एंड सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनकी नॉलेज होनी आवश्यक है। उसके अलावा बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर हम स्क्रोल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि मल्टीपल सिटीज़ में ये मतलब ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और टेक्निकल स्पेशलिस्ट की एक जॉब होने वाली है, एप्लीकेशन डेवलपर आपका प्रोफाइल होने वाला है। ठीक है, अर्ली प्रोफेशनल अगर आप 23 या 24 में पासिंग आउट भी हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई टू जॉब्स पे जाओगे, वहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट होगा। अगर आपने पहले से किया हुआ तो आप डायरेक्टली नेविगेट हो जाओगे और वहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल वगैरह फिल आउट करके अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा।